हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली नई मोटिवेशनल वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। एक राज्य में शासन करने वाला राजा दुनिया का सबसे शक्तिशाली शासक बनना चाहता था। एक दिन उसे दूर देश से आए एक भविष्यवक्ता के बारे में पता चला। वह उनसे मिलने पहुंचा और उन्हें अपनी इच्छा बताते हुए निवेदन किया कि हे महात्मा, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बन सकूं। भविष्यवक्ता ने सामने जाते हुए एक रास्ते की ओर इशारा किया और बोले, राजन, सामने जो रास्ता देख रहे हो उस पर चलते जाओ। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने पर तुम्हें एक पेड़ दिखाई देगा। उस पेड़ पर चमत्कारी फल लगते हैं। तुम उस पेड़ से एक फल तोड़कर खा लेना, तुम्हारी शक्ति 100 गुना बढ़ जाएगी। राजा बिना समय व्यर्थ किए उस पेड़ की तलाश में निकलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसके जाने के पहले भविष्यवक्ता ने उसे चेताया, राजन, एक बात ध्यान में रखना, जब तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा सामना 1 फीट ऊंचे एक राक्षस से होगा। तुम उसे मार देना तभी आगे बढ़ना, अन्यथा वह तुम्हारा आगे बढ़ना और पेड़ से फल तोड़ना मुश्किल कर देगा। राजा ने हामी भरी और भविष्यवक्ता से आज्ञा लेकर उनके बताए रास्ते पर चलने लगा। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अचानक एक राक्षस उसके सामने आया और उसका रास्ता रोक लिया। उसकी ऊंचाई 1 फीट थी। वह राजा को ललकारते हुए बोला, तुझ में हिम्मत है तो मुझे मारकर आगे बढ़। राजा ने देखा कि राक्षस कट काठी से बहुत छोटा है। उसने सोचा कि इतने छोटे से राक्षस को मारने में अपना समय और ऊर्जा क्यों व्यर्थ करो। वह उसे धकेल कर बिना मारे ही आगे बढ़ गया। वह आगे 1 किलोमीटर ही चल पाया था कि वह राक्षस फिर से उसके सामने आ गया। इस बार उसकी ऊंचाई 1 फीट बढ़ गई थी। राजा ने उसे फिर एक तरफ धकेला और आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते बढ़ते हर 1 किलोमीटर पर वह राक्षस राजा के सामने आता और हर बार उसकी ऊंचाई 1 फीट बढ़ जाती। राजा हर बार उसे मारे बिना आगे बढ़ता जाता। जब राजा भविष्यवक्ता द्वारा बताए पेड़ के पास पहुंचा तो राक्षस फिर से सामने आ गया। इस बार वह 10 फीट का विशालकाय राक्षस था। जब उसने राजा को फल तोड़ने से रोक दिया तब राजा को भविष्यवक्ता की चेतावनी याद आई कि राक्षस को मार देना, अन्यथा वह तुम्हें फल तोड़ने नहीं देगा। अब राजा के पास युद्ध के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। कई बार स्थिति ऐसी बनी मानो राक्षस राजा को मार देगा, लेकिन अंत में किसी तरह राजा राक्षस को मारने में सफल रहा। फिर उस चमत्कारी पेड़ का फल तोड़कर खाकर उसने चैन की सांस ली। दोस्तों, लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में जब हम प्रयास करते रहते हैं तो हमें कई बार छोटी छोटी समस्याओं और चुनौतियों से दो चार होना पड़ता है। हम अक्सर उन्हें छोटा या तुच्छ जानकर नजरअंदाज कर देते हैं और उनका निराकरण नहीं करते। फिर धीरे धीरे वही समस्याएं और चुनौतियां बड़ी होती चली जाती है। एक समय ऐसा आता है जब उन्हें नजरअंदाज करना संभव नहीं हो पाता और वे हमारे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग का रोड़ा बन जाती है। कई बार उस रोड़े को पार कर पाना हमारे बस के बाहर हो जाता है और कई बार उन्हें सुलझाने में हमारा बहुत समय और ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। बाद में हम पछताते हैं कि हमने पहले उसका समाधान क्यों नहीं निकाला। इसलिए बाद में पछताने से बेहतर है कि समस्याएं शुरुआत में उस वक्त ही सुलझा ली जाए जब वे छोटी हो। एक बार एक देश का राजा दूसरे देश घूमने गया। उस देश में उसका बहुत आदर सत्कार किया गया। उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखी गई। राजा अपनी इस खातिरदारी से बहुत खुश हुआ। जब वह वापस अपने देश आने को हुआ तो दूसरे देश के राजा ने उन्हें उपहार में 2 तोते दिए। दोनों तोते दिखने में एक समान थे। तोतों को लेकर राजा खुशी खुशी अपने देश वापस आ गया। वापस आकर उसने उन तोतों के रहने की व्यवस्था शाही बाग में करवाई। बाग के बीचों बीच स्थित पेड़ की डाल पर तोतों के रहने के लिए एक पिंजरा लटकाया गया। तोतों को उड़ना सिखाने के लिए एक प्रशिक्षक रखा गया। 10 से 15 दिन तक प्रशिक्षक रोज आता रहा और तोतों को उड़ना सिखाता रहा।
एक तोते ने तो बहुत जल्दी उड़ना सीख लिया, लेकिन दूसरा तोता लाख सिखाने के बाद भी उड़ना नहीं सीख पाया। जब राजा ने प्रशिक्षक को बुलाकर तोतों के बारे में पूछा तो प्रशिक्षक ने सारी बात बता दी। महाराज, एक तोता बहुत जल्दी सब कुछ सीख गया है, वह तो राजमहल से भी ऊंचा उड़ने लगा है, लेकिन दूसरा तोता कुछ सीखने को राजी ही नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वह पेड़ की एक डाल पर बैठा रहता है, उड़ता ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। राजा चाहता था कि दोनों तोते अच्छी तरह से उड़ना सीख जाए। उसने अपने मंत्रियों से मंत्रणा की और मंत्रणा उपरांत दूसरे तोते के लिए एक अन्य प्रशिक्षक की व्यवस्था की, किंतु दूसरा प्रशिक्षक भी उस तोते को उड़ना नहीं सिखा पाया। इस तरह कई प्रशिक्षक आए, लेकिन कोई भी दूसरे तोते को उड़ना नहीं सिखा पाया। राजा ने फिर से मंत्रियों को बुलाया और दूसरे तोते को उड़ना सिखाने के उपाय के बारे में मंत्रणा की। इस बार मंत्रियों ने गांव के एक ऐसे व्यक्ति को बुलाने का परामर्श दिया जिसे तोते के स्वभाव के बारे में अच्छी पहचान थी। फिर उस व्यक्ति को बुलाया गया। जिस दिन व्यक्ति आया, उसी दिन से दूसरा तोता भी उड़ने लगा। जब राजा तक ये खबर पहुंची कि दूसरा तोता उड़ रहा है और वो भी पहले तोते से भी ऊंचा, तो वह खुश हो गया। उसने फौरन उस व्यक्ति को बुलवाया और उसे पूछा, तुमने आखिर ऐसा क्या किया कि इतने दिनों से पेड़ की डाली से तस से मस न होने वाला तोता उड़ने लगा। व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने वह डाली ही काट दी जिस पर वह तोता बैठा करता था। दोस्तों, हम अपने जीवन में भी उस दूसरे तोते की तरह व्यवहार करते हैं। हम ऊंचे ऊंचे सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन हम कभी अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते। हम हमेशा रिस्क लेने से डरते हैं और इसलिए चाहते हुए भी अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठा पाते। क्या हम तभी उड़ेंगे जब कोई आकर हमारी डाल काट दे, अर्थात जब हमारे जीवन में समस्या आ खड़ी हो? बेहतर नहीं कि हम पहले ही उड़ना सीख जाएं? आप क्या सोचते हैं? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली हमारी मोटिवेशनल वीडियोस आप सबसे पहले देख सके।